आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल मसाला। इसके लिए हमें चाहिए कटहल, ग्रेट किए हुए प्याज, ग्रेट किए हुए टमाटर, गरम मसाला, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, धनिया, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, नींबू, नमक। सबसे पहले अपने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लें ताकि कटहल हाथों पर ना चिपके। कटहल को बीज से काटें। एक हाफ हम इस सब्जी में इस्तेमाल करेंगे और दूसरे हाफ पे नींबू लगा कर रखेंगे। नींबू लगाने से कटहल काला नहीं पड़ेगा। अब इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। टुकड़े कट कर लेने के बाद इनके छिलके निकाल लें। छिलके निकल जाने के बाद इन टुकड़ों को पानी में धो लें। धोने से अगर कुछ धूल मिट्टी लगी हुई होगी तो निकल जाएगी। अब इन टुकड़ों को कुकर में बॉईल करेंगे। कुकर में कटहल, पानी और नमक डालें। और ढक्कन लगा दें। इसे हाई फ्लेम पर एक सीटी बजने तक कुक कर लें। अब हम गरम मसाला बना लेंगे। एक पैन में दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और तेजपत्ता डालें। इन मसालों को 2 मिनट तक लो फ्लेम पर सेक लें। दो मिनट के बाद इन मसालों को ग्राइंड कर लें। अब एक पैन में फ्राई करने के लिए तेल डालें और बॉईल किए हुए कटहल के टुकड़ों को डालें। इन्हें हाई फ्लेम पर ब्राउन होने तक तल लें। इन टुकड़ों को बीच बीच में पलटते रहें। कटहल विटामिन्स और फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। ब्राउन होने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने दें। अब एक पैन में 2 चम्मच तेल डालें और गरम कर लें। फिर इसमें जीरा और ग्रेट किए हुए प्याज डालें। अब प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भून लें। फिर इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और सूखा धनिया पाउडर डालें। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले मिक्स कर लेने के बाद इसमें ग्रेट किए हुए टमाटर डाल लें। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। अब कटहल के टुकड़ों को डालें और फिर कसूरी मेथी और हरा धनिया डालें।
फिर इनमें ग्राइंड किया हुआ गरम मसाला डालें। अब सब अच्छे से मिक्स कर लें और ढक्कन लगाकर कुक कर लें। इन्हें ढक्कन लगाकर 5-6 मिनट तक कुक करें। और फिर बाउल में सर्व करें। और हरे धनिए से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है कटहल मसाला। इसे गरम रोटी के साथ सर्व करें।